हमें दूसरों के नए घर पसंद आते हैं, हमें फर्नीचर पीसेस पसंद आते हैं मार्केट में नए, लेकिन जब हम अपने घर आते हैं और हम अपना पुराना फर्नीचर देखते हैं तो उसे हमें छोड़ने का मन नहीं करता। एक इमोशनल अटैचमेंट होता है हमें अपने पुराने फर्नीचर पीसेस से, पुराने घर से। वी वॉन्ट कि वो भी रिटेन किया जाए। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि क्या हमारे जो पुराना घर है, पुराने फर्नीचर पीसेज है, उन्हीं को यूज़ करके एक नई लुक क्रिएट करी जा सकती है जो मॉडर्न हो। बाय मॉडर्न आई मीन आजकल जो ट्रेंडिंग है वो, मैं मॉडर्न स्टाइल की बात नहीं कर रहा, जैसे कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, स्कैंडिनेवियन स्टाइल है, ये सब ट्रेंड में है। क्या ऐसी लुक क्रिएट करी जा सकती है उन फर्नीचर पीसेज के साथ जो पुराने टाइप के हैं? हाँ, करी जा सकती है ऑन बजट एज वेल। टिप नंबर वन इज चेंज द फैब्रिक ऑफ सोफा। ये टिप बहुत सिंपल है, बहुत बजट फ्रेंडली है, बट बहुत ज़्यादा आपके लुक चेंज कर देगी। जैसे अगर आपके घरों में जो पुराने टाइप के सोफ़ाज़ होते थे वैसे हैं, बल्की हैं थोड़े, दैट्स ओके, बस उनका जो पैटर्न कलर है ना बहुत डार्क कलर है, पैटर्न्स बहुत ज़्यादा चलते थे पहले, इट्स टाइम टू चेंज देम। बस उनका फैब्रिक चेंज कर दो, अपहोस्ट्री चेंज कर दो। एक तो आपका बजट पे हो जाएगा, आपको नया फर्नीचर नहीं लाना है, सिर्फ अपहोस्ट्री ही चेंज करवानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पैसे बच गए, नंबर टू जो स्ट्रेंथ है उस सोफ़ा की, अगर वो पुराने टाइप का है तो वो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू आजकल। वैसी स्ट्रेंथ वाले आप फर्नीचर पीसेज लेने जाओगे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, जो एवरेज रेंज आती है उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ उसमें नहीं होती है, तो वो भी रिटेन हो जाएगी। पहले जो सोफ़ाज आया करते थे वो सेट आया करते थे 3+2, अगर पॉसिबल हो सिंगल सीटर हैं उन्हें निकाल दो और जो बड़ा वाला सोफ़ा है उसे रिटेन कर लो। प्लस सिंगल सीटर की जगह आप ओटोमन यूज़ कर सकते हो, बीन बैग्स यूज़ कर सकते हो, पफीज़ यूज़ कर सकते हो, ऐसे कई सारे ट्रेंडिंग ऑप्शंस हैं जो आपको मार्केट में रेडिली अवेलेबल मिल जाते हैं। तो आपका जो लुक है वो भी चेंज हो जाएगा, प्लस जो आपने बड़ा सोफ़ा रिटेन किया है उससे आपका इमोशनल कनेक्ट भी नहीं टूटेगा। बेड की बैक चेंज कर देने से बहुत ज़्यादा लुक चेंज हो जाती है एकदम से। आप सिर्फ बेड बैक चेंज कर रहे हो, पूरा बेड नहीं चेंज कर रहे हो, तो लुक भी चेंज हो गई और आपने फर्नीचर भी रिटेन कर लिया। और ऑन बजट है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, डिपेंड्स कि आपकी अपहोस्ट्री कैसी है और पैडिंग वगैरह, तो ज़्यादा खर्चे वाली बात होती नहीं है। नंबर टू, अगर आपके पुराने घर हैं तो प्रोबेबिलिटीज़ आर हाई कि वहाँ पे चौड़ी दीवारें हुआ करती थी, तो विंडो सीटिंग वहाँ बनाने का ऑप्शन एक निकल जाता है। विंडो सीटिंग सिंपली एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म होता है बैठने के लिए, और वहाँ से आप रेन को एंजॉय कर सकते हो मे बी, या फिर आप वहाँ पे अच्छी लाइटिंग कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, बस उसको यूटिलाइज करो। इनफैक्ट अगर आपकी वॉल्स वाइट नहीं भी हैं तब भी आप सिंपल बेंच लगा के विंडो सीटिंग क्रिएट कर सकते हो, विंडो के आगे, विंडो की ही हाइट पे एक बेंच बनवा लो। अगर आपको विंडो सीटिंग नहीं भी बनानी तो आप कई चीज़ें बना सकते हो वहाँ पे, जैसे आपने एक कोजी कॉर्नर बनाना है, रीडिंग आपको पसंद है तो वहाँ रीडिंग कॉर्नर बना लिया, दैट डिपेंड्स ऑन यू, उसका आप कहीं भी कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली अपने कमरे का पेंट चेंज कर सकते हो आप। कलर जितने लाइट होंगे उतने ज़्यादा आप प्रेफर किए जाते हैं आजकल, बट ऐसा नहीं है, एक दो दीवार को हम डार्क पेंट भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स ले सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं उस पर, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस अगेन। लेकिन ऐसे फर्नीचर पीसेज जो आपके कमरे में हैं और डार्क कलर के हैं, इट्स टाइम टू चेंज देयर कलर। अब डार्क फर्नीचर इतने ज़्यादा नहीं चलते, अगर वो वाइट हैं, बेज हैं तो ठीक है, अदर देन दैट जैसे पुराने ब्राउन कलर के फर्नीचर पीसेज होते थे, या फिर जो कबर्ड्स पे ग्रे कलर होता था, आजकल उनका ट्रेंड जा चुका है। ऑल यू हैव टू डू इज़ रीपेंट देम, और उसमें आप अलग अलग कलर्स चूज़ कर सकते हो, लाइट कलर्स भी चूज़ कर सकते हो, या फिर नेवी टाइप के कलर चूज़ कर सकते हो, बट जैसे थे पहले ब्राउन टाइप के उसको वैसा मत छोड़ो बस। मेटेलिक हो तो स्प्रे पेंट्स भी कर सकते हो, इनफैक्ट ये तो DIY टाइप का काम होता है स्प्रे पेंट्स करना, बहुत बड़ी बात नहीं है, मार्केट से स्प्रे पेंट लाओ और ख़ुद भी कर सकते हो। क्लाउड टेक्सचर तो बहुत आसानी से बन जाता है उसमें, पेंट भी ज़्यादा नहीं लगता, पेंट थोड़ा ज़्यादा लगता है जब उसे फुल्ली कवर करना होता है, तो क्लाउड टेक्सचर इज़ ऑल्सो वेरी गुड लुकिंग। अगर आप यहाँ पे भी रुकना चाहो तो रुक सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर बजट, अगर आपका अलाउ करता है तो उसे पूरा भी पेंट कर सकते हो, बट अगर पूरा पेंट करना है तो आई वोंट रिकमेंड आप स्प्रे पेंट्स करो, आप पेंटर को बुलाओ वही स्प्रे पेंट करे तो बेटर है। आपको और ज़्यादा बजट पे जाना है तो प्लास्टिक वॉलपेपर्स आते हैं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे टेक्सचर्स में अवेलेबल होते हैं, उनको यूज़ कर सकते हो और काफ़ी डिफरेंट लुक क्रिएट हो जाती है एकदम से, कमरा ना ऐसे लगने लगेगा कि कहीं और आ गया मैं, पहले जिसमें आया था वो नहीं है। अगर आपके कमरे में लाइट कलर की वुड है तो उसे रिटेन करो,
अच्छे से उसको सैंडिंग करवा लो ताकि नया निकल जाए एकदम से, और ऊपर से टच वुड लगा दो। टच वुड एक सेमी ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड होता है, सिर्फ शाइनिंग देता है, वो वुड को प्रोटेक्ट करता है। बाकी डार्क जो कलर लगवाते थे ना पॉलिशिंग टाइप के, अब उनका ट्रेंड जा चुका है। अगर किसी बिल्डिंग की आपको एज जाननी है ना, तो उसकी फ्लोरिंग देखो, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है फ्लोरिंग का। और आप उसको कवर कर देते हो किसी अच्छी फ्लोरिंग से, तो घर भी नया लगने लगता है ऑब्वियसली। तो ज़रूरी नहीं है आपकी मान लो टाइल्स लगी हुई हैं या स्टोन लगा हुआ है तो उसको पहले उखाड़ो फिर नया फ्लोरिंग लगवाओ, ज़रूरी नहीं है सब इतना खेचल। आप करना चाहते हो तो गो अहेड ऑब्वियसली, नहीं करना चाहते हो तो आजकल ऐसे भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं जो आपकी टाइल्स हैं स्टोन के हैं उसके ऊपर ही लग जाते हैं, उन्हें सॉफ्ट फ्लोरिंग कहते हैं। जैसे कि विनाइल फ्लोरिंग होती है, उसके ऊपर पेस्टिंग हो जाती है लो बजट में। अगर आपको प्लैंक्स लगवाने हैं थोड़ा अच्छा लुक आ जाता है, मॉडरेट बजट में आ जाएगा। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें लगवा सकते हो जो अवेलेबल हैं मार्केट में। जस्ट आप एक बार मार्केट विजिट करोगे तो पता चलेगा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिफ्थ डिज़ाइन हैक इज इट्स टाइम टू चेंज योर एक्सेसरीज। ऐसी बहुत सारी एक्सेसरीज होती हैं जो गिफ्ट्स हैं, ठीक है आप उन्हें रिटेन करना चाहते हो करो, बट जितनी ज़रूरी है ना उतनी ही रिटेन करो, बाकी वाला पहले वाले एक्सेसरीज़ को निकालो, नए टाइप की एक्सेसरीज लेके आओ। जैसे आप एनिमल्स ले सकते हो बट अब डिफरेंट काइंड के आते हैं थोड़े। जैसे आप ऐसी पेंटिंग्स लगा सकते हो जो थोड़ी सी कंटेम्प्रेरी लुक देती हैं, नॉट द ट्रेडिशनल वंस जैसे पहले हुआ करती थी। यही आपकी लुक क्रिएट करती हैं छोटी छोटी चीज़ें। आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में हैं वो फ्लूइडिक एक्सेसरीज हैं, यानी कि कोई उनकी पर्टिकुलर टाइप की शेप नहीं होती, ऑर्गेनिक शेप्स होती हैं जैसे लीव्स हैं या फिर मे बी ब्रांचेज हैं, इट डिपेंड्स आप कैसी चाहते हो। ऐसी काफ़ी सारी ऑर्गेनिक शेप्स आपको एक्सेसरीज में मिल जाती हैं, और अगर आप ये घर पर अच्छे से रखते हो ना, आई एम टेलिंग यू काफ़ी लोगों को भी पसंद आएगी आपके साथ साथ। लेकिन आपके अगर पुराने घर रहें तो एक मैंने चीज़ कॉमनली नोटिस करी है, छोटे से शोकेस होते हैं वहाँ पे, दैट इज़ नॉट राइट नाउ ट्रेंडिंग, बंद करवाओ उन्हें। उनकी जगह आप शेल्फ क्रिएट कर सकते हो दीवार के ऊपर भी, या फिर दीवार के अंदर इनबिल्ट भी कर सकते हो, बट उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। जैसे पहले आप करते थे ना एक छोटा सा नीश, उसको तो बंद करवा के अंदर आप ऑर्गेनिक एक्सेसरीज रखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। वैसे तो 5 डिज़ाइन हैक्स करे थे मैंने, पर एक और एक्स्ट्रा दे देता हूँ क्योंकि ज़रूरी है। कर्टेंस जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओवरऑल लुक कैसी है वहाँ की, और उसका लुक जो होता है वो पैटर्न्स डिसाइड करते हैं। या तो फैब्रिक ऐसा लो जो थोड़ा लाइट हो, या फिर शीयर टाइप का फैब्रिक हो। ज़्यादा जानने कर्टेंस के बारे में तो अभी मैंने वीडियो डाली थी, उस पर देख सकते हो। लेकिन सिंपल सा रूल बताऊं तो अगर आप बड़े पैटर्न्स लोगे, यानी इतने बड़े पैटर्न्स हैं कि दूर दूर तक हैं थोड़े, तो बेटर रहेगा। अब छोटे पैटर्न्स लोगे ना कर्टेंस में तो अब वो ज़माना जा चुका है, क्लटर्ड टाइप का फील देते हैं वो ट्रेडिशनल लुक है। अगर आप चाहते हो तो क्रिएट कर सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन आज का जो ट्रेंडिंग है वो थोड़े बड़े पैटर्न्स है, जैसे शेवरून पैटर्न है, लाइनिंग ले सकते हो, ऐसे पैटर्न्स कई सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, and see you in the next video then. Till then, bye bye. Thank you. Take care.